हेलो गाइस, डिजिटल ध्रुव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महानंद ध्रुव, यूट्यूबर। और आज इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं कि रेडमी मोबाइल फ़ोन की स्टेटस बार को, इस तरह के स्टेटस बार को कैसे चेंज करना है, इस तरह के स्टेटस बार में कैसे चेंज कर सकते हैं, इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। यदि रेडमी फ़ोन से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर Redmi मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। यहां पर आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग के एप्लीकेशन को सिंपली से एक बार टैप करना। टैप करते ही यहां पर सेटिंग की होम पेज ओपन हो चुका है। यहां पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको क्या करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, डिस्प्ले की ऑप्शन पर सिंपली से एक बार टैप करना है। डिस्प्ले की ऑप्शन पर टैप करते ही यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटर पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट की ऑप्शन पर सिंपली से एक बार टैप करना। टैप करते ही यहाँ पर इस प्रकार का एक इंटर पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि आपके मोबाइल फोन की यूज न्यू कंट्रोल सेंटर की ऑप्शन ऑफ रहेगा तो इसे क्या करना है, ऑन कर लेना। ऑन करते ही आपके मोबाइल फोन की स्टेटस बार चेंज हो जाता है। तो चलो फ्रेंड्स, यहाँ से स्क्रॉल करके देख लेते हैं कि स्टेटस बार चेंज हुआ है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल फोन की स्टेटस बार चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार रेडमी फोन से स्टेटस बार को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट पर जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।